आप सऊदी में काम कर रहे हैं अभी? जी सर, अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ सर यूपी आजमगढ़ साइड का। आजमगढ़ से आप सऊदी में आ गए, सऊदी से कनाडा जा रहे हो। कौन सी जी, ऑक्यूपेशन है आपको? मैं 10 क्लास पास हूँ सर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जॉब क्या करते हो, प्रोफेशन क्या है आपका? घर का ड्राइवर हूँ सर, हाउस ड्राइवर। यहाँ का लाइसेंस भी है, बॉम्बे में भी। मेरा पासपोर्ट बॉम्बे का है, मेरा बॉम्बे में भी घर है, तो मैंने पासपोर्ट बॉम्बे से ही बनवाया। तो तकरीबन 10-12 साल से गाड़ी चला रहा हूँ सर। मेरा बॉम्बे का भी लाइसेंस है, सऊदी अरब का भी लाइसेंस है ठीक है भाई, तो कनाडा में क्या करोगे? सर। काम करने के लिए सोच रहा हूँ, वहां पे भी गाड़ी चलाने के लिए। थोड़ा कनाडा का सिस्टम और सऊदी का सिस्टम फर्क है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा से आपको जब तक जॉब ऑफर नहीं मिलेगा पहले एडवांस में, तब तक आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपके पास छोटी मोटी गाड़ी का अगर लाइसेंस है तो उससे बात बनने वाली नहीं है, आपको ट्रक का लाइसेंस चाहिए, तब जाके शायद बात बनेगी। अच्छा सर, हाउस ड्राइवर में नहीं जा सकता सर? छोटी गाड़ी में, जैसे सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में गाड़ी चलाता हूँ मैं, तो वैसे कनाडा में आके नहीं चला सकता सर मैं? हाउस ड्राइवर मतलब किसी एक छोटी सी फैमिली के हाउस के ड्राइवर हो आप? मतलब हाउस ड्राइवर समझाओ थोड़ा। जी सर, हाउस ड्राइवर यानी घर घर का ड्राइवर हूँ। मेरा लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, बॉम्बे का भी लाइसेंस है और यहाँ का भी लाइसेंस है। मैं तकरीबन, मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का यहाँ का है, और तकरीबन मिनिमम 6-7 साल का बॉम्बे का भी लाइसेंस है। आप देख सकते हैं मेरा लाइसेंस है। नहीं भाई, मैं देख लूंगा यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जो हाउस है ड्राइवर, जो आपने कहा ना कि यहाँ कनाडा में घर के लिए अपनी एक फैमिली के लिए हेलो, आपको आवाज मेरी सुनाई पड़ी कि नहीं? हाँ बीच में सर रुक गई थी, बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ ऐसा हाउस के लिए ड्राइवर का कोई सिस्टम नहीं है कनाडा में भाई साहब। मैंने तो आज तक नहीं सुना यहाँ पर कोई किसी ने यहाँ पर अपने घर के लिए ऐसा कोई ड्राइवर बाहर से फॉरेन ड्राइवर मंगाया, ऐसा नहीं है कोई चक्कर। यहाँ पर तो ट्रकों के लिए होता है भाई ड्राइवर, अगर बाहर से बुलाते हैं, अगर ट्रक का जो बड़ा ट्रक होता है ना, जो 18 गियर का जी ट्रक होता है बहुत बड़ा, जो जिसमें 80,000 पाउंड खींचते हैं उसमें ट्रेलर में, जी 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 सर, उस ट्रक की बात कर रहे हैं, अगर वैसा ड्राइवर का एक्सपीरियंस। बीच में आवाज कट रही है, तो ऐसा अगर किसी के पास एक्सपीरियंस हो तभी जाके बात होगी, अदरवाइज नहीं। हाँ अच्छा, जैसे छोटी गाड़ी चलाने के लिए हम लोग नहीं आ सकते कनाडा में? भाई, मैंने तो सुना नहीं, मेरे को तो इतने साल हो गए, मैंने तो आज तक ना सुना ना देखा। अच्छा, सर जैसे यहाँ पे कनाडा एम्बेसी अगर जाएंगे, अगर जैसे अगर उनसे कुछ बात करेंगे तो क्या हमें जॉब मिल सकती है सर? कनाडा एम्बेसी का काम जॉब दिलवाना नहीं है भाई साहब। नहीं सर, एम्बेसी अतः हमें जॉब अगर लेना है, अगर कनाडा जैसे वर्क परमिट पे जाना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा सर? क्योंकि मैं तकरीबन 2 महीने से आपकी डेली 10-5 वीडियो देखता हूँ। डेली एवरीडे मैं तकरीबन 10 वीडियो आपके जरूर देखता हूँ। तकरीबन मैं 30-35-36 वीडियो आपकी देख चुका हूँ मैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वीडियो देख रहे हो, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं जॉब के लिए किसी की हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नौकरी प्रदान करना मेरे संयोगवश मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जॉब ट्रकिंग की जॉब लेने के लिए लोग फिर धक्के खाते हैं, कोई गूगल पे देख रहा है, कोई एजेंटों से बोलते हैं, कोई पैसे देता है, कुछ करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत लोग करते हैं। तो वही तरीका है, कनाडा एम्बेसी या कोई और कोई कनाडा सरकार की कोई संस्था है वो जॉब प्रदान नहीं कर सकती। सो दुर्भाग्यवश वही सही परिस्थिति है यहाँ की, तो ऐसा है। तो जब तक आप कोई बड़ा लाइसेंस नहीं, आपके पास ट्रकिंग लाइसेंस, तो आपकी ये शुरुआत नहीं हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या, 12वीं क्लास है आपकी? नहीं, 12वीं क्लास सर फेल हूँ, 10वीं क्लास पास हूँ मैं। 10वीं क्लास पास हो? 10वीं क्लास पास में बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पर और कोई नौकरी लेना ड्राइविंग के। ड्राइविंग के लिए भी हाई स्कूल तो मिनिमम चाहिए चाहिए यहाँ पर। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई आप किसी ना किसी तरीके का कम से कम अपनी 12वीं तो कंप्लीट करें। अच्छा, 12वीं कंप्लीट करो।
मिनिमम 12वीं तो चाहिए भाई साहब, हर एक जॉब के लिए, बहुत जॉब के लिए, ऐसा कोई जॉब ऐसा है नहीं है कि जिसमें 10वीं, अदरवाइज आप क्या खेतों में काम करोगे, उसमें तनख्वाह ज्यादा मिलेगी नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जी। नहीं जैसे अगर सर, जैसे मैं 10वीं क्लास पास हूँ और मैं आजमगढ़ से पास किया हूँ तो, और मेरा बॉम्बे में भी घर है, तो मैंने जब पासपोर्ट सर बनवाया था ना, तो उसमें हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं लगाया था, तो क्योंकि मार्कशीट मेरा गांव में था और मैं बॉम्बे में भी मेरा घर है, तो मैं बॉम्बे से पासपोर्ट बनवाया था और मैं सऊदी अरब चला आया, तो सऊदी अरब मुझे 6 साल हो गया। तो यहाँ पे सऊदी अरब में ऐसा है कि अगर आप 3 साल कंटिन्यू सऊदी अरब में काम करते हो तो आपका पासपोर्ट PCNR हो जाएगा, यानी वो उसमें वो सिस्टम है कि वो 10वीं क्लास पास का वो मार्कशीट वगैरह क्या है, मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि पासपोर्ट PCNR हो जाता है, आपका कोई टेंशन नहीं है, आप बाहर कहीं भी जा सकते हो। ये बात आपकी सब सही है, ECNR पासपोर्ट होने से कनाडा का कोई लेना देना नहीं भाई। ओके ओके। नहीं सर, जैसे अगर सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरा 8वीं क्लास का मार्कशीट उस पर लगा था, जिसको बोलते हैं चेक इमिग्रेशन रिक्वायर्ड मुमकिन, उस पर लिखा था ठीक है पहले, उसके बाद यहाँ पे 3 साल में कंटिन्यू काम किया तो वो अभी वो हट गया, मेरा दूसरा पासपोर्ट आ गया है, तो जैसे कि कोई मसला तो नहीं है ना, अगर जैसे मैं आना चाहूंगा कोई और वर्क परमिट पे तो कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा सर? कनाडा गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ भारतीय इमिग्रेशन चेक को कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वही बताएंगे, लेकिन कनाडा वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ECR हो या ECR ना हो। अच्छा सर, जैसे अगर जैसे मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ, 7 साल का मेरा इंडिया का भी एक्सपीरियंस है, 6 साल का मेरा यहाँ पे भी, तो अगर छोटी गाड़ी में अगर जैसे हाउ ड्राइवर मिली कहीं भी स्कूल का बस वगैरह वहां अगर चलाना चाहेंगे तो नहीं हम आ सकते सर? बीच में कॉल किसी की आ रही थी, मैं आपसे कहता कि छोटी गाड़ी में स्कूल की बस नहीं चला सकते, स्कूल का बस का लाइसेंस और दूसरा होता है, तो उसके लिए फॉरेन ड्राइवर, बाहर से ड्राइवर मैंने तो आज तक देखा नहीं है स्कूल ड्राइवर स्कूल की बसें चलाने के लिए, तो वो भी बात आपकी दाल करने वाली नहीं है। आपका सिर्फ एक कोई एक एक ही तरीका है इन फ्यूचर, अभी तो नहीं, इन फ्यूचर के अगर आपको कनाडा में अगर गाड़ी चलानी है तो आप ट्रक का काम सीख, ट्रक का लाइसेंस लो धीरे धीरे, ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सर, मैं अगर अगर इंडिया जाता हूँ, इंडिया में जाने के बाद मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा, ट्रक ड्राइवर बनने के बाद मैं बड़ा लाइसेंस बनाऊंगा, फिर मुझे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का सर? ये तो मालिक ही बताएंगे, जो जिस मालिक को आप पसंद आएंगे वो आपको नौकरी देगा, वो फिर आपको आपकी स्किल और आपकी एक्सपीरियंस और आपके जो जो ड्राइविंग जो जो रिकॉर्ड है उसको देख के फिर वो आपको जॉब देंगे। अगर किसी को एक साल में भी वो शायद मान सकते हैं, किसी को 2 साल, किसी को इवन मोर, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपके पास, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं वैसे समझ में आ जाएगा, अगर किसी के पास ट्रकिंग लाइसेंस हो और उसके पास अमेरिका का या यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी उसको यहाँ के जो मालिक हैं, जो ट्रकिंग कंपनी है, उसको ले सकते हैं। अब इंडिया का लाइसेंस हो और इंडिया का ट्रकिंग ड्राइविंग लाइसेंस हो 1 साल का, उस तरह का इक्विपमेंट पे लाइसेंस हो, तब वो 1 साल के बाद आपको लेने कहना बहुत मुश्किल है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्किल को पसंद करें, और इंडिया का लाइसेंस ऐसा है कि ट्रकिंग का कि फिर कनाडा में आके अगर आपको लाइसेंस फिर दोबारा यहाँ का लेना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ता है, और फिर जब पास हो गए पता नहीं कब पास हो गए, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको सिर्फ छोटी छोटे से राज में आपको ये बता दूं कि भाई अभी थोड़ा सा जल्दबाजी ना करो, आपकी उम्र छोटी है, आप चाहे ट्रकिंग का लाइसेंस चाहे आप इंडिया से लो या सऊदी से लो या मिडिल ईस्ट में कहीं से भी लो, आप लाइसेंस लेके पहले गाड़ी चला के अपना हाथ साफ करो, कम से कम मैं समझता हूँ कम से कम 2 साल आप गाड़ी वहां चलाओ, फिर जाके आपको कॉन्फिडेंस होगा, फिर जाके आगे की बात कहीं बन सकती है। ओके सर, दूसरी बात सर ये है कि जैसे मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि अगर मैं सऊदी से अगर मैं आना चाहता हूँ कनाडा, तो यहाँ से कुछ कम पैसा लगेगा, या इंडिया से आऊंगा तो वहां से कुछ कम पैसा लगेगा, कि कोई फर्क नहीं सर? ऐसा तो कुछ नहीं लगेगा यार, पैसे का लेना देना नहीं है यहाँ पर, पैसे का जो कोई ले रहा है नहीं ले रहा है तो वो तो शायद वो दलाल वगैरह ले रहे होंगे, तो उनकी वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नौकरी अगर आपको मिल जाती है कहीं से भी मिले, चाहे मिडिल ईस्ट से मिले, चाहे भारत से मिले, चाहे किसी और कंट्री से मिले,
वीजा वही कैटेगरी है, हवाई जैसा खर्चा उतना ही लगना है। हाँ मिडिल ईस्ट वाला में शायद कोई आई डोंट थिंक कि भाई जो एजेंट वाला कम चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो पैसे चार्ज कर रहे हैं वो तो जॉब दिलवाने के लिए लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो अब ये कहना मुश्किल है कि वहां सस्ता है कि इंडिया से सस्ता है। मैं सर एक एजेंट से बात किया था इंडिया में, वो बैठे हैं मेरे ख्याल से हरियाणा में, तो उनसे मेरी अभी 3 दिन पहले बात हुई थी। उनको मैंने, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं उनसे भी बात किया था, तो वो बोल रहे थे कि आप हाउस ड्राइवर में जा सकते हैं कनाडा, 2.95 लाख लगे, यानी 2,95,000 रुपए लगेंगे, 95,000 आप पहले दे दो वीजा से पहले, और जब आपका वीजा लग जाएगा तो 2 लाख आप दे सकते हैं, फिर आप कनाडा जा सकते हैं। हमने बहुत लोगों का काम करवाया, तो मैं डेली आपका 10-5 वीडियो देखता हूं, तो मुझे लगा कि सर से एक बार बात किया करें, तो सर बताएंगे कि कहां कैसा क्या है। आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार जी सर, मैं नरेंद्र कुमार। मैं तकरीबन आपका नंबर सर सेव किया हूँ तकरीबन 6 महीना हो गया, 6 महीने में शायद मैं वीडियो सारी देख चुका हूँ, पर ये रिटर्न देख रहा हूँ, दो बार देख रहा हूँ फिर से। चलिए आपका भी नाम, आपका नंबर भी मेरे पास है। आपका भी नाम नरेंद्र है और प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है, तो आज नरेंद्र की जोड़ी जम गई। भाई ऐसा है, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे वो किसी और प्रदेश में हो हिंदुस्तान के, पहली बात तो ये है कि संयोगवश आपकी आज बात हो गई, आपने बहुत ही सब्र दिखाया और आज थोड़ा सा आपको इस बारे में आपके जो डाउट है वो भी क्लियर मैं कर देता हूं कि जिस भी इंसान ने, जिस भी कंपनी ने आपको हरियाणा से कहा है कि कनाडा में वो आपके लिए हाउस ड्राइवर की जॉब लगा देगा और 2 लाख, मैं फोन काट दूं, फोन बीच में आ रहा, 2.25 लाख रुपए दे दो ये हो जाएगा, ये सब सरासर झूठ है। उसको आप सीधे सीधे सिर्फ हमारी तरफ से मैसेज दे देना भाई साहब कि अगर जो वो जॉब दे रहा है वो कॉल करके मेरे को तसल्ली दिला दे तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने तो आज तक, इतने साल हो गए आज जी, तक जी, जी। आप छोड़े हरियाणा से, छोड़े मिडिल ईस्ट से, मैंने आज तक किसी को किसी भी कंट्री से कनाडा में आके हाउस ड्राइवर जो वैसा आज तक कभी ना देखा ना सुना। तो वो हरियाणा वाले पता नहीं कौन से कोई अश्वमेध यज्ञ करके आए, ऊपर से उड़न खटोला लेकर आएंगे, वो आपके लिए वीजा लेके आएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी 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 सर। अच्छा सर दूसरी बात है सर, हम अगर जैसे अगर आना चाहते हैं तो कहाँ से हम पासपोर्ट लगाए कि हम अच्छा से, हमारा पैसा भी मतलब ज्यादा, जो कोई लेके एजेंट भाग ना जाए, हम पैसा दे उसको और हम आ सके कनाडा, तो ऐसा ऑफिस? भाई ये बात बड़ी मुश्किल है कहना कि कौन एजेंट सही है, कौन किसका ऑफिस सही है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो आज आप कर रहे हो और जो आप सवाल पूछ रहे हो और आप सच की खोज कर रहे हो, ये बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया है कि आपको सच्चाई की खोज करते करते आप यहाँ तक पहुंच गए कि आप एटलीस्ट आप सही आपको एक जवाब आपको मिल रहा है, एक सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आज के ये सब जो अभी आप कर रहे हो इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, ना कोई ऐसे देने वाला है ना, और ये हरियाणा वाले तो वैसे ही यू नो दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। सो मैं आपको सिर्फ आज आपको एक मिनट में आपको निचोड़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आप ये सारे काम छोड़ के एजेंटों से बात करना बंद करें। आप आपकी उम्र छोटी है नरेंद्र भाई, आप जाके पहले, अगर आपको ड्राइवरी का शौक है तो आप जाके ट्रक का लाइसेंस लें। ओके। चाहे सऊदी में लें, चाहे हिंदुस्तान में लें, चाहे किसी और स्थान में लें, कहीं भी किसी भी मुल्क में जाएं, जाके ट्रक का काम सीखें, जिसमें बड़ा ट्रक होता है, इसमें 18-18 गियर होते हैं इसमें, और इसमें मतलब 52 फुट का इसमें ट्रेलर लगा होता है, शायद सऊदी में आपने कभी देखा होगा, बहुत लंबे लंबे ट्रक होते हैं, जैसे लगता है जैसे कि मालगाड़ी चल रही है, ऐसे इतना बड़ा ट्रक है, वो उसको चलाएं आप, उसको लाइसेंस ले, और उसका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा उससे आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी आई एम श्योर यहाँ पर, और आगे भी इन फ्यूचर आपके वो काम आएगा। तो इसमें 1-2 साल तसल्ली से सबर का घूट पी के करें और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। सर मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है सर, मुझे एक बार कनाडा आना है, ठीक है, वर्क परमिट पे, तो मैंने उसके लिए मैंने पैसा भी तकरीबन मेरे पास 3 लाख तक मेरे पास इकट्ठा हो गए, मैंने जुटाया है,
मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शादी से पहले एक बार मैं कनाडा का चक्कर लगाऊं सर। तो आप कोई अच्छा बताइए, मतलब मैं क्या करूं जिससे मैं कनाडा आ जाऊं अच्छे जॉब पे, जैसे आप मैं सर बता रहे। नरेंद्र भाई मैं बता चुका हूँ यही तरीका अच्छे आने का, आपका जो सपना है कनाडा आने का वो वैसे ही पूरा होगा, जल्दबाजी में कनाडा की जगह कहीं और ना पहुंच जाना आप। आपका जैसे सपना है कनाडा आने का, मेरा सपना है सऊदी जाने का। आ जाइए सर, मोस्ट वेलकम। आप हमेशा वीडियो में बोलते रहते हैं कि मैं 2 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, 3 महीने के लिए आ जाता हूँ सऊदी में। आप आ जाइए ना सर, आपसे नहीं हम मिलने आएंगे के लिए आएंगे पूरा है। आएंगे, हमारा हमारा बहुत बड़ा ख्वाब है कि हम भी जाके सऊदी के दर्शन करें, जाके सऊदी में लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, बहुत बड़ा सपना है। हम कनाडा में रहते हैं लेकिन कनाडा से हमारी संतुष्टि नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि सऊदी में लोग क्या कर रहे हैं, बहरीन में क्या कर रहे हैं, कतर में क्या कर रहे हैं। हम दुबई गए 2 बार और दुबई में देखा हमने कैसे लोग रह रहे हैं, तो बड़ा मेरे को ताजुब हुआ वहाँ की जो हालात देखकर। और जी जी सर, जैसे यहाँ बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर। नहीं अच्छी, मैं समझता हूँ उस बात को। तो जैसे आपका कनाडा का सपना एक दिन पूरा होगा, और मैं सोचता हूँ कि भगवान मेरा मेरा सऊदी का सपना पूरा करेगा, मैं सऊदी के आके जमीन पे देखूंगा जाहूदी में क्या हो रहा है। तो बहरहाल तब तक जब तक हमारा दाना पानी वहां का उस मुल्क का नहीं होता, तब तक हमें सब्र करना चाहिए और धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। आपके संबंध में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि और इतना ही करें आप, और से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रक का लाइसेंस लें और फिर होगा, और अभी किसी को पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, सर थैंक यू सर। दूसरी बात सर, मतलब जैसे कि ट्रक का लाइसेंस लेके अगर हम कनाडा आएंगे, ठीक है, अभी मैं 2-3 दिन में देखता हूँ, कफिल को बोलूंगा मुझे यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए, तो फिर सर 1-2 साल का मुझे वो हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो फिर मैं आऊंगा। तकरीबन सर कनाडा डॉलर कितना पैसा खर्चा करके मैं आ सकता हूँ सर, मिनिमम? सर जी पैसा खर्च होता नहीं है, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पैसा खर्च करने की जो आप बात कर रहे हो ना, तभी एजेंट आपके पैसे पर लपकते हैं। पैसा खर्च होने की गुंजाइश है ही नहीं, पैसा खर्च कहाँ होना है। जो जॉब अगर आपको कहीं मिलती है तो जॉब का तो किसी ने चार्ज करना नहीं एम्प्लॉयर ने, अगर वैसे जो पैसे जो दे रहे हैं वो बीच में दलाल है, मिडल मैन है, कंसल्टेंट है, एजेंट है, तो वहीं पर जी ज्यादा खर्चा हो रहा है। बाकी आपका फीस लगनी है, जो एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, मुश्किल से मैं समझता हूँ कि मेडिकल पुलिस वुलिस मिला के सारा मुश्किल से $1,000 $1,500 से ज्यादा भी खर्चा नहीं होने वाला है सारी एप्लीकेशन में, अगर कोई दलाल आपसे कोई पैसे ना इठे तो। और जी इतने में पहुंच जाओगे, बाकी जो टिकट लगना है। तो इतना जो आप पूंजी इकट्ठी कर रहे हो कि मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं कनाडा जाने के लिए, तभी तो आपको एजेंट दाना डाल रहे हैं कि हमें इतने दो इतने दो हम करा देंगे। हम हरियाणा वाले से कहना चाहते हैं भाई साहब कि हरियाणा जी जी आपके पास अगर अपने हाउस कंपनी नो सॉरी कंपनी हाउस ड्राइवर के लिए हाउस ड्राइवर, आपने अगर कोई ड्राइवर भेजा तो ड्राइवर का कोई नाम पता हमें दे दे, हम भी कॉल करके उसे दर्शन कर लें कहाँ पर गाड़ी चला रहा है आजकल कनाडा में। उस चक्कर में सर मैंने तकरीबन 15,000 रियाल, सॉरी 15,000 डॉलर में, तकरीबन डॉलर में मैं इकट्ठा कर चुका हूँ, ठीक है। मुझे लगा वो बोल रहे थे कि तकरीबन 10,000 डॉलर लगेगा आपको जाने के लिए, वहां पे कनाडा जाने के लिए। मैं बोला ठीक है, लेकिन एक अरे बार। नरेंद्र भाई आप जी पंद्रह सर, हजार डॉलर इकट्ठे कर चुके हो जाने के लिए, जी सर, 15,000 US डॉलर है कैनेडियन, कैनेडियन डॉलर सर। 15,000 कैनेडियन डॉलर आप जमा कर चुके हो जाने के लिए, और अगला आपसे कह रहा है कि 10,000 वो लेने को तैयार है। वो तो हरियाणा में बैठे बैठे ही कनाडा का मजे ले लेगा। जी, नहीं सर मैं भी इतना वो नहीं हूँ, मुझे लगा कि आपको जब 220 220 डॉलर भी देके अगर बात करना हो, तो अभी तो आपसे मैं फ्री बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे आपको अगर 220 डॉलर भी अगर मुझे देना होता तो मैं दे के आपसे बात करता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सोचा था जरूर से, क्योंकि मैं तकरीबन 6 महीने से आपकी वीडियो देख रहा हूँ और देख चुका हूँ, सारी वीडियो देख चुका हूँ, जो इंग्लिश में रहता है वो भी, और जो हिंदी में रहता है, पंजाबी रहता है, जो भी कुछ रहता है, जिस भी लैंग्वेज में रहता है, मैं सब सारी वीडियो आपकी देख चुका हूँ, फिर दोबारा देख चुका हूँ। 34 वीडियो डेली, मैं 10 वीडियो आपकी देखता हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ भी काम करने से पहले आपसे एक बार बात कर ले तो अच्छा रहेगा सर। भाई नरेंद्र भाई आप तो बहुत बड़े भगत निकले, आप इतने वीडियो मेरे देखते हो यार, मैं आपके धन्यवाद करता हूँ कि आपने तो YouTube चैनल को भी सार्थक कर दिया भाई। जी, और आपको सारी वीडियो देखता हूँ सर। मैं आपका बड़ा बहुत ही अनुग्रहित हूँ कि आपने इतना विश्वास दिलाया, और मेरे को लगता है कि इलेक्शन में खड़े हो जाओगे तो आप वोट वोट जरूर दे दोगे हमें कोई भाई। जरूर 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 सर, भाई भाई मैं आपका धन्यवाद दोबारा से कहता हूँ, और कृपा करके आप अपने पैसे को संभाल के रखें, क्योंकि
बहुत लोग, बहुत एजेंट आपके पैसे को सूंघ रहे हैं, उन्हें पता है कि 15,000 में से उनको कमाई हो सकती है, इसलिए पैसे को गठरी में बांट के रखे आप, और चुप करके ध्यान पूर्वक सबर से आप अपना ट्रक का काम सीखें, ट्रक का लाइसेंस लें, ट्रक में अपना हाथ साफ करें, एक आध साल गाड़ी वहां चलाएं, नहीं तो दुबई चलाएं, कहीं भी चलाएं, और उस तरह का ट्रक देखें जैसा कि कनाडा अमेरिका में चलता है, और फिर और एक ना एक दिन आपका सपना जरूर साकार होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपसे कभी 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 कनाडा में दर्शन होंगे आपके। जरूर जरूर सर, मैं जब जैसे काम स्टार्ट करूंगा ना, अभी ठीक है, अभी एक दो साल बाद में फिर आपसे एक बार फिर बात करूंगा लगाने से पहले, क्योंकि अभी दो तीन दिन के बाद मैं, हो सकता है मैं अपने कफील को बोलूंगा मुझे ट्रांसफर करो, क्योंकि सर मैं बहुत दिनों से, आप सोच सकते हैं मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया जाने के लिए, तो आप सोच रहे हैं, आप सोच सकते हैं मैं तकरीबन 6 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूँ, मैं एक एक पैसा इकट्ठा किया हूँ सिर्फ कनाडा जाने के लिए। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं आप आके इंडिया में शादी कर लो, लेकिन मैं 6 साल से गाँव नहीं गया हूँ, 6 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ सिर्फ कनाडा जाने के लिए, तो पैसा भी इकट्ठा हो गया है, फिर मैं सोचा कि सर से एक बार बात कर लें। अभी ठीक है कोई बात नहीं, एक दो साल में बड़े गाड़ी का एक्सपीरियंस लेता हूँ, लाइसेंस लेता हूँ, फिर जाऊंगा सर। नरेंद्र जी आप तो बहुत महत्वाकांक्षी हो, और मैं आपके आपके साहस की मैं दाद देता हूं कि आप इतना 6 महीने से प्रयास कर रहे हो, पैसा भी इकट्ठा कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, शादी के लिए भी मना भी कर रहे हो, और आप एक दिन जरूर कनाडा पहुंचोगे, इसका मेरे को मेरा बिल्कुल विश्वास है, और आपकी उम्र भी थोड़ी है, इसलिए आप अपने लगन से अपने पथ पे अग्रसर रहें, और जरूर आपको भगवान आपको आपकी आपको जरूर इसमें आपको सक्सेसफुल करेगा भाई। तो इसमें अभी कोई ट्राई नहीं करूं कहीं भी ऑफिस में, अभी जाने वाला था एक 10 दिन में 15 दिन में ना, अभी छुट्टियां चल रही स्कूल का, तो अभी छुट्टी चल रही थी, तो मेरा जो कफील है वो बोला था कि आप घर जाना चाहते हो, तो मेरा तो सपना है कनाडा जाने का, तो मैं बोला नहीं मैं अगले साल जाऊंगा सफर, लेकिन 1 साल बाद जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोचा था स्कूल अभी बंद है, मैं मैडम को स्कूल लेके जाता हूँ, स्कूल लेके आता हूँ, तो मैं सोचा कि अभी 10 दिन बाद जाके एक बार चक्कर लगाते हैं कनाडा एम्बेसी जाएंगे, वहां पता करते हैं कि, जैसे मैं छोटी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया और यहाँ का 6 साल का, तो हमारे पास लाइसेंस भी इंडिया का भी है, आप देख सकते हैं लाइसेंस है, और ये यहाँ का आधार कार्ड है, सॉरी यहाँ का अकामा है, यहाँ का लाइसेंस है मेरे पास, तो मैं सोचा कि एक बार जाके कनाडा एम्बेसी पता करें कि हम लोग के लिए भी, जैसे कोई छोटी गाड़ी में अगर जाना चाहता है तो क्या जा सकता है क्या गाड़ी चलाने के लिए, किसी के घर में या कोई स्कूल में या कोई टूरिस्ट ट्रेवल्स वगैरह में, छोटी गाड़ी जैसे कि 4-व्हीलर हो गया। हाँ तो वो कनाडा एम्बेसी क्या बताएगी आपको, कनाडा एम्बेसी में ना कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, और ना मेरे ख्याल है कोई ऐसे बात करेगा, तो मेरे को पता है वहां पर क्या होता है, वो आई डाउट कि उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है। सो आप छोड़े सब इधर उधर का, अपना मार्ग अपना सीधे रखें, नाक के सीध में रखें, और सिर्फ अपना ट्रकिंग का लाइसेंस अप्लाई करें, चाहे तो यहाँ लें चाहे इंडिया जाके ट्रकिंग सीखें, जाके अगर सस्ता जहाँ वहां पर वहां पड़ता है सस्ता वहां सीखें, तो ट्रक के काम में आए, और जरूर आपको आपको हेल्प मिलेगी आगे। नहीं तो अभी मैं एक अभी आपसे बात हो गई, क्योंकि मुझे कनाडा जाने की इतना मुझे वो है ना कि मैं अभी 1 हफ्ते बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से, यहाँ छोड़ दूंगा काम छोड़ के मैं चला जाऊंगा वहाँ, अभी तो मैं छोटी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे हेल्परी करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं कोई बात नहीं है, 6 महीने हेल्परी करूंगा फिर उसके बाद लाइसेंस निकालूंगा गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी तो वो अभी चला सकता हूँ ऐसा नहीं, बस 1-2 दिन उनके साथ रहूंगा ना तो मेरा माइंड उतना है मैं देख के उनको सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं 6-7 साल यहाँ और तकरीबन 5-6 साल भी इंडिया में गाड़ी चला हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं हो, गाड़ी सेम होता है, बस थोड़ा गियर का फर्क होगा, तो वो भी मैं सीख जाऊंगा, सीख के लाइसेंस लेने के बाद फिर मैं अप्लाई करूंगा कनाडा के लिए। करो करो भाई, आपकी आपकी कनाडा की इतनी लगन देखे तो कनाडा के प्रधानमंत्री भी कायल हो जाएंगे आपके भाई, आपकी इतनी लगन है, आपकी लगता है कि पुराने जन्म का कोई कनाडा का कोई हिसाब बाकी है आपके पास। नहीं सर बस नहीं, मेरे को एक सवाल पूछना है, आखिरी सवाल पूछना है क्योंकि टाइम थोड़ा है, मेरे को आखिरी सवाल ये पूछना है, आप कनाडा से इतने प्रभावित क्यों हो, कनाडा के अलावा अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, हजारों कंट्री है, कनाडा के पीछे इतने पागल क्यों हो भाई? कनाडा सर इसलिए कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब, दो दोस्त थे मेरे वो लोग कनाडा चल गए, फिर एक पाकिस्तान के दोस्त हमारे साथ में ही रहते थे,
हम लोग साथ में खाते थे रहते थे, फिर वो भी कनाडा चले गए। तो एक बार उन्होंने शायद मुझे टोरंटो से फोन किए थे, फिर उसके बाद दोबारा फोन नहीं किए। तकरीबन उनको जाके एक साल 14-15 महीने हो गए उनको। तो वो मुझे बता रहे थे कि अच्छा है, वहां से सऊदी अरब में बहुत मेहनत करते हो, वहां से यहाँ थोड़ा काम करोगे तो अच्छी सैलरी रहेगा। तो मैंने उनकी बातों को सुना, फिर मैंने पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। मैं बोला ठीक है, मैं भी आऊंगा एक बार कनाडा। शादी नहीं करूंगा, शादी के लिए तो अभी बहुत उम्र है मेरी, अभी तकरीबन मेरी 28 साल मेरी उम्र है, एज है। अभी मैं शादी नहीं करूंगा, शादी तो बाद में भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ शादी से पहले एक बार मैं वहां का चक्कर लगाऊं कनाडा का, क्योंकि मैं ठीक है तकरीबन सर 10 साल से मैं इधर उधर बाहर हूँ सर। तो मैं सोच ठीक रहा है, हूँ एक चलो बार। चलो कोई बात नहीं। अब जल्दी आपका सपना, इतना आप इतने आपके पास लगन है और इतनी आप स्वावलंबी हो, महत्वाकांक्षी हो आप, और आपका सपना जरूर साकार होगा। और मैं समझता हूँ कि शायद आपके जो सितारे इतने बुलंद चल रहे हैं, हो सकता है कि आपको कनाडा का कोई रिश्ता, कोई लड़की मिल जाए शायद, तब तो और भी नहीं एकदम नहीं सोच सुहागा हो जाएगा। नहीं तो चलें, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल